हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्टॉक की। और 3% के आसपास लगभग डाउन रहा है हमारा स्टॉक। 48.05 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड आज का जो दिन रहा है वो ओवरऑल मार्केट दबाव में दिखाई दिया है। तो बात करेंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों गिरा और कहाँ तक गिर सकता है हमारा स्टॉक, एंड क्या इसमें एक बाइंग पॉइंट आ गया है जिन लोगों ने बाय नहीं किया था हमारे 40, 42, 45 के लेवल पे, तो क्या ये एक लेवल हो सकता है बाय करने का, और क्या जिन लोगों ने बाय किया था 52 रुपीज के आसपास गए वो, और क्या प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया उन लोगों के लिए या नहीं, इन सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप नोटिफिकेशन पा सको, एंड वीडियो लाइक करना मत भूलना एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम देखें अगर हम, तो वॉल्यूम में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दी है। हमें 37 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और ओवरऑल अगर हम बात करें वीक की तो एवरेज हमारा 60 मिलियन का था, 60 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हो रहे थे, बट आज इसमें 37 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, थोड़ा सा कम दिखाई देता है। स्टॉक दबाव में रहा था उसके बावजूद 37 मिलियन का वॉल्यूम ठीक ठाक दिखाई देता है। अगर 3 महीने का चार्ट देखें हम इसका सिंपल चार्ट, तो चार्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देता है 3 महीने का। 3 महीने में काफी अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने। 30 रुपए 31 रुपए के आसपास था हमारा स्टॉक, और उसके बाद ऑल द वे अब 51 रुपीज तक गया है। 51 रुपए 45 पैसे का एक हाई लगाया था इसने, 52 वीक हाई पास्ट वीक में। अच्छा, पास्ट वीक में 52 वीक हाई लगाया था। और ओवरऑल ऐसा होता है कि अभी जिस हिसाब से हमारा एक एक माहौल बन रहा है, सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, बजट एक्सपेक्टेशन प्ले कर रही है, FII चल रहा है इस वीक, FNO एक्सपायरी भी है, इस वजह से स्टॉक्स जो है वो बहुत दबाव में दिखाई दे रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि इस वीक में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी प्रिवेल करेगी, और वही हो रहा है। देखिए आप, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3% आज स्टॉक डाउन है हमारा। इसके बावजूद आगे की बात करें अगर हम कि डाउन क्यों है, सबसे पहले ये जान लें तो पहला रीजन हमारा डिलीवरी परसेंटेज बहुत कम हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज 21 जनवरी को 26% था, जो कि 22 जनवरी को आके 19-20% रह गया था बस। तो डिलीवरी परसेंटेज हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हो रहा है कि लोग जो है अब वो लॉन्ग टर्म के लिए माल नहीं उठा रहे, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके छोड़ दे रहे हैं। तो वहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में थोड़ी सी डिलीवरी कम हो गई है। एनएससी की वेबसाइट पर लेकर चलूं मैं आपको, तो आज ओवरऑल इंडेक्सेस में प्रेशर दिखाई दिया है दोबारा से। थर्सडे फ्राइडे एंड देन मंडे, 3 दिन लगातार हमारा मार्केट करेक्ट हुआ है, मार्केट करेक्शन जोन में आ चुका है, स्टॉक मार्केट करेक्शन जोन में है अभी। एंड जैसा हमें उम्मीद थी कि बजट के पहले ऐसा होता है, और वही हो रहा है। आप देखिए, ऐसा लग नहीं रहा था कि अब तक बजट के पहले अब तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, और बजट के बाद ही उम्मीद थी, बट अभी से ही स्टार्ट हो गया करेक्शन का मूवमेंट, क्योंकि जो बजट एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि इंडाइसेस कितने ज्यादा प्रेशर में दिखे, और इंडाइसेस का ही असर हमारे स्टॉक पर भी दिखाई दिया है। हालांकि आप देखें तो निफ्टी 50 में 1% और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.78% एंड निफ्टी मिड कैप में 1% के आसपास, और बैंक की बात करें निफ्टी बैंक की तो 0.10% के आसपास का पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बावजूद हमारा जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वो सिर्फ 3% के आसपास डाउन है, जबकि अगर निफ्टी 50 या कोई भी इंडाइसी हमारा प्रेशर में दिखाई देता है तो 4 से 5% 6% के आसपास गिरावट देखने को मिलती है। जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 7.5% के रूप में आई, टाटा मोटर्स का स्टॉक भी आप देखिए कितना ज्यादा दबाव में दिखाई दिया है यार। दूसरा रीजन रहा है कि हमारे जो इंडाइसिस प्रेशर में दिखाई दिए हैं उसकी वजह से हमारा स्टॉक गिरा है। तीसरा रीजन है हमारा बजट एक्सपेक्टेशन। देखिए आज खबर 24 जनवरी की है हालांकि, बट स्टिल आप देखिए कि कितना ज्यादा रोल प्ले कर रही है बजट एक्सपेक्टेशंस भी हमारे सामने, कि बजट एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमें उम्मीद थी कि कुछ ठीक ठाक बजट पेश होगा, बट जो हेडलाइंस बन के आ रही है हमारे सामने, कोविड टैक्स लगाने की बात चल रही है इस समय पर, और वेल्थ टैक्स को रीइंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। दोनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन को और ज्यादा बढ़ाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में अगर ये हेडलाइंस क्लियर नहीं होती है तो ये करेक्शन और जोन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो बजट एक्सपेक्टेशंस तीसरा रीजन है हमारा जो स्टॉक हमारा इतना तेजी से डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में जा रहा है। अब बात करते हैं चार्ट्स की, हमारा चार्ट किस तरह का है और क्या होल्ड करके रखें, सेल करें, बाय करें, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, उसके बारे में बात करते हैं। हम लेकर चलते हैं आपको चार्ट पर अपने। तो यहाँ पर आ चुके हैं हमने चार्ट पर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का चार्ट है हमारा ये, और आज जो कैंडल बनी है रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी है। आप यहाँ पर देखिए कि जो ये कैंडल है हमारी, यहाँ पर ये कैंडल वो रेड में बनती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, अगर कैंडल्स हमारी जो है वो रेड में बनती है तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले समय में थोड़ा सा बेयरिश जोन आ सकता है। बट अच्छी खबर ये है कि आप इशिमोकु क्लाउड को देखिए, ये ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है अभी भी, इसका मतलब है कि जो हमारा स्टॉक है वो अभी भी बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है, और आगे ही भी इसी ट्रेंड में बने रहने की उम्मीद की जा सकती है। ठीक है, जो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिला था, ऊपर की साइड हमारा स्टॉक गया था, वो एक समय पे अक्यूमुलेशन के जोन के तौर पे कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कब तक रहेगा ये डाउन ट्रेंड, उसी की बात करेंगे हम। आप देखिए यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट
अच्छी 47 रुपये 50 पैसे के आसपास जो हमारा सपोर्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है आगे आने वाले समय में। और हमें उम्मीद है कि यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, बट क्योंकि करेक्शन प्रिवेल कर रहा है, करेक्शन आने वाले समय में भी इसी तरह से बना रहेगा, तो एक और सपोर्ट जो ना, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा 44 रुपये 45 रुपये के आसपास है, 45 रुपये 15 पैसे के आसपास एक सपोर्ट जोन हमारा और बन रहा है। तो 45 रुपये तक नहीं जाएगा वैसे स्टॉक, बट स्टिल अगर जाता है तो आप डरिए बिल्कुल भी नहीं। जो आईडीसी फर्स्ट बैंक का स्टॉक है हमारा बहुत ही मजबूत स्टॉक है और करेक्शन का जोन चल रहा है यार। देखिए अभी ओवरऑल पूरा मार्केट डाउन है, मार्केट करेक्शन करेक्ट हो रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं आईडीसी फर्स्ट बैंक गिर रहा हो। जब भी कोई एक स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक की जो करेक्शन नहीं हो रही है तो आप बिल्कुल डरने वाली बात है ही नहीं। स्टॉक मार्केट करेक्शन मोड में है और देखिए हम अमेरिकन बाजार कितने दबाव में दिखाई दिए, यूरोपियन बाजार की बात करें तो कल कितने दबाव में दिखाई दिए थे और वहां का असर हमारे यहाँ पर पड़ रहा है। अब कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन का जो काम है वो ग्राउंड पे चालू हो गया, तो धीरे धीरे करके जो डेवलपमेंट मोड है वो वापस आ जाएगी बैंकिंग सिस्टम में भी और हमारे स्टॉक स्पेसिफिक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी। तो डरने वाली बात नहीं है, दो सपोर्ट जोन बन रहे हैं हमारे 47 रुपये 50 पैसे के आसपास और 45 रुपये 20 पैसे के आसपास के, दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है हमारा। यहाँ पे हमें लगता है कि हमारा जो स्टॉक है वो होल्ड करेगा और इससे ऊपर जाएगा, बाउंस बैक लेगा यहाँ से, ठीक है। इसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं करते हैं हम। जो हमारा 45 रुपये का ये वाला सपोर्ट जोन है ये बहुत ही मजबूत है और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। ओवरऑल होता क्या है कि जब भी स्टॉक नीचे जाता है तो वहां पे बाइंग ऑर्डर्स कितने हैं और सेलिंग ऑर्डर्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक कहाँ पर जाकर रुकेगा। अब ऑलरेडी देखिए कि ये हर रोज ही लगभग अपना 52 वीक हाई लगा रहा था पिछले हफ्ते की बात करें तो, और उसी वजह से इस स्टॉक में काफी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में थे कि कब गिरेगा कब गिरेगा, और वो जो डर है डर ने मार्केट को ग्रैब कर लिया और इसी वजह से क्या हुआ कि स्टॉक हमारा अब करेक्शन मोड में आ चुका है। ये तो डरिए बिल्कुल भी नहीं, अगर रिटेल इन्वेस्टर हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सभी ने इनमें बाइंग कर रखी है, बड़े बड़े FIIs ने इसमें बाइंग कर रखी है, तो ये स्टॉक नीचे नहीं जाएगा ज्यादा। 45 रुपये तक भी अगर जाता है तो बिल्कुल डरे नहीं, होल्ड करके रखें स्टॉक और लंबे समय तक के लिए होल्ड करो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपका मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, बेहतरीन स्टॉक है और बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा आपको आने वाले समय में। आप MACD की लाइन देखिए, MACD की लाइन अभी भी हमारे बेयरिश जोन में नहीं दिखाई देती है, बुलिश ट्रेंड दिखाती हुई है और हिस्टोग्राम अभी भी हमारे ऊपर बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए हालांकि रेड बन रहे हैं बट स्टिल दे आर अपसाइड, तो वहां पे अच्छी खबर है हमारे लिए। आप RSI की बात करें तो RSI हमारा जो मैं कह रहा था कि ओवरबॉट जोन में जा चुका है, अब वो ओवरबॉट जोन से निकल चुके हैं, तो ये दूसरी अच्छी खबर है हमारे लिए। चार्ट ओवरऑल हमें मजबूत दिखाई देता है, IDFC फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स इसने बहुत अच्छे दिखाए हैं, तो और मार्केट करेक्शन में इस वजह से थोड़ा सा गिरावट है। बजट तक का वेट आपको करना पड़ेगा, बजट के बाद ही स्टेबिलाइज हो सकता है हमारा स्टॉक, हो सकता है पहले भी हो जाए बट बजट के बाद ही स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ दिखेगा आपको। तो ओवरऑल मेरी रेटिंग यही है कि होल्ड करें अगर आपने बाय नहीं किया है तो, और बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अगर आपने बाय नहीं किया, बच गए थे आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए थे, तो ये हमें एक मौका हो सकता है बाय करने का। 48 रुपये 47 रुपये तक स्टॉक जाता है करेक्शन मोड में तो आप बाय कीजिए, बाय करने का बहुत अच्छा लेवल आपको सामने आ रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है अभी इस टाइम पे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट भेजो, हम सभी क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि आप नोटिफिकेशन पा सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।